देश के स्वतंत्रता संग्राम में 8 अगस्त के दिन का एक खास महत्व है। दरअसल महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए कई अहिंसक आंदोलनों का नेतृत्व किया और इसी क्रम में उन्होंने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। इसकी सार्वजनिक घोषणा से पहले 1 अगस्त को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में हुई और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था।